नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। हिमाचल कल्याण सभा के उप चेयरमैन नरेश धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल कल्याण सभा कालका का हिम मिलन वार्षिक उत्सव का आयोजन कालका के रेलवे के जंज घर में किया गया। इस अवसर पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महिला प्रदेश प्रवक्ता की महासचिव पवन कुमारी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रही। सभा के पदाधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर प्रदीप चौधरी और पवन कुमारी शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता अजय सिंगला, कालका से नगर परिषद की पार्षद बनिंदर कौर, उजाला बख्शी, भाजपा मंडल महामंत्री किशोरी शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं अतिथियों ने सभा के द्वारा कराए गए कार्यों की प्रशंसा भी की। हिम मिलन वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसके बाद स्मृति चिन्ह वितरित किए गए व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभा के उप चेयरमैन नरेश धीमान, प्रधान रविंदर पटियाल, अध्यक्ष डॉक्टर RS राणा, उपाध्यक्ष डॉक्टर PN शर्मा, महासचिव चमेल सिंह राणा, कोषाध्यक्ष दीप सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। Thank you.
आपको विदित होगा कि हिंदुस्तान का सबसे पहला परमवीर चक्र विजेता भी हमारी हिमाचल से मेजर सोमनाथ जी हुए। एक और जोरदार ताली बजाइए। और 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान के वीरों को 4 परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे, मगर हमारे लिए गौरव का विषय है कि अकेले हिमाचल में 2 परमवीर चक्र प्राप्त किए थे। मेरा फौजी के लिए हाथ में एक फौजी की शादी होती है और फौजी का पहला धर्म घर परिवार रिश्तेदार नहीं बल्कि देश की सेवा, उस सरहद की सेवा करने, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना उसका फर्ज है। तो नई नई शादी होते कारगिल से कॉल आ जाती है, किस तरह वो छिटपन दे संत चिट्ठियां आया फौजी हंज सतेरा लकियां लड़ाया कट्टे लेने अजे केड़ी दा सवेरे नमस्कार जी, मैं नरेश दीवाना, वाइस चेयरमैन हिमाचल कल्याण सभा कालका से। और हमने हिमेलन 2022 बड़ी धूमधाम से मनाया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि MLA प्रदीप चौधरी जी और बाकियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हमारा मेन मकसद हमारा हिमेलन का हमारा हिमाचल के जो संस्कृति है इसको जीवित रखने के लिए ये हम हर साल हिमेलन का आयोजन करते हैं। और इसमें पूरा कालका वासी जितने हमारे कालका में लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलता। और इसके उपलक्ष्य में हमने हिमाचल कल्याण सभा ने एक धाम का आयोजन किया, उसमें सब ने हिमाचली धाम का पूरा लुत्फ उठाया और सभी का सहयोग मिला। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।